हम लोग निकल रहे हैं ले के लिए। खैर आज ले तो नहीं आज पहुंचेंगे, आज हमें बस जैसे तैसे करके जोजिला क्रॉस करना है। खूबसूरती चेक करो यार इस जन्नत की, क्या ज़बरदस्त व्यू है, क्या मज़ेदार व्यू है यहाँ पे। वो जो नीचे आपको टेंट लगे नज़र आ रहे हैं सारे, ये सारी की सारी तैयारी जो है अमरनाथ यात्रा की है। तो ये है खूबसूरत माइटी जोजिला। यार मैं अपनी फीलिंग आपको बता नहीं सकता इस टाइम। दोस्तों अभी हम लोग अपना हाउस बोट से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं सामने पार्किंग पे, वहाँ पे अपनी बाइक उठाएंगे और आगे छू मंत्र हो जाएंगे। अभी आपके सामने ही है ये पीछे हमारे शर्मा जी, ये छावड़ा साहब, ये हमारा एक पतला सा भाई। आगे से बोट आपको दिखाऊंगा, देखो पूरी झुकी हुई है इसकी पेट से। अभी फुल ऑन मजे है यहाँ से। अब पता किया कि आगे जोजिला के लिए जो रास्ता निकल रहा है ना उसको सिर्फ छोड़ रहे हैं 1 बजे तक, तो 10 हमें यहीं पे बच गए हैं और यहाँ से कम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे अभी सोनमर्ग पहुँचने में। सोनमर्ग एक बार क्रॉस करके फिर हम लोग जोजिला निकल जाएंगे, तो अब देखते हैं कैसे होता कैसे नहीं होता। टाइम तो टाइम के साथ रेस लगी हुई है। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल। मैं हूँ आपका होस्ट जगजीत सिंह। आप चलिए इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, शुरू तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। अभी हम लोग हैं दोस्तों कश्मीर के पुराने एरियाज में, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं सोनमर्ग के लिए। ये देखिए सब कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स अभी भी यहाँ पे हैं, ये मस्जिद है दोस्तों। ये है श्रीनगर की हिस्टोरिक जामा मस्जिद, इसका आप साइज चेक करो। सॉरी यार बार बार से दिखाना पड़ रहा है, रीज़न क्या है कि हमें आज हर हाल में भी 1 बजे तक जोजिला क्रॉस करना है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, जो प्लान हमारा है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले तो मेरा प्लान था कि आज हम लोग श्रीनगर में रुकेंगे और लोकल साइट सीइंग वगैरह करेंगे, बट थोड़ा सा इशू आ रहा है बुकिंग में, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा यहाँ पे अभी टूरिस्ट है ना, जिस वजह से बुकिंग नहीं मिल रही यहाँ पे। और ऊपर ले में भी जो हमने बुकिंग करवाई हुई है वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि हम उसको किसी तरीके से 1 दिन के लिए भी आगे पीछे नहीं कर सकते। सो इस वजह से मजबूरन हमें निकलना पड़ रहा है आज ही आगे ले के लिए, इसलिए सॉरी माजरत। अभी दोस्तों सीन ये है कि हम लोग निकल रहे हैं ले के लिए। खैर आज ले तो नहीं आज पहुँचेंगे, आज हमें बस जैसे तैसे करके जोजिला क्रॉस करना है। जोजिला क्रॉस करना भी एक टास्क है यार, क्योंकि रीज़न दोस्तों ये है कि जोजिला क्रॉस करने के लिए एक टाइम दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि इतने टाइम में अगर आप जोजिला क्रॉस कर जाते तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अगले दिन ट्राई करो। और वो टाइम है दोपहर का 1:30 या 10:30, सभी यहाँ पे मेरे हो चुके हैं और यहाँ से कम 3 घंटे 2.5 से 3 घंटे लगेंगे हमें जोजिला पहुँचने में। अगर एक बार सोनमर्ग भी पहुँच गए ना तो भी कोई इशू नहीं है, 2.5 घंटे में पहुँच गए तो हमें आगे जाने की परमिशन मिल जाएगी, फिर हम लोग आराम से जोजिला क्रॉस करेंगे। जोजिला क्रॉस करके फिर प्लान तो यही है कि आगे कैंपिंग करनी है। वैसे अभी तक मैंने कोई देखा कि प्लान हमारे ज़्यादा कुछ सक्सेस हो नहीं पा रहे हैं, अपने आप में कोशिश है भाई, हम तो कोशिश कर सकते हैं, बाकी वो ऊपर वाला बेटर जानता है हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। तो अभी तो हमारा प्लान यही है कि हम लोग जितना जल्दी हो सके कोशिश करके सोनमर्ग पहुँचें, वहाँ से जोजिला के लिए निकलें और जोजिला क्रॉस करने के बाद हम लोग कैंपिंग करें। यार यहाँ पर तो फ्यूल ही बहुत महंगा है, 102 रुपये है, डलवाना तो है ही है। अभी मैंने फ्यूल डलवाया, फ्यूल डलवाने के बाद मैंने जो अटेंडेंट था उसको पूछा, यार मैं क्या सोनमर्ग से आगे कितने बजे तक छोड़ते हैं जोजिला के लिए, तो वो कह रहा है शाम 6 बजे तक छोड़ते हैं। अब ना सही में बताऊँ कंफ्यूज हुआ पड़ा हूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। शर्मा जी ने पता किया है तो वो कह रहे हैं जी 1 बजे तक छोड़ते हैं, कोई कह रहा है 2 बजे तक छोड़ते हैं, और अभी ये बंदे नई पसूड़ी डाल दी पसूड़ी कहूँगा यार, कह जी शाम तक छोड़ते हैं। अब इसका तो एक ही सोल्यूशन समझ में आया कि भाई सीधी सी बात है, पहले सोनमर्ग पहुंचा जाए चेक पोस्ट पे, वहाँ पे जाके पता किया जाए कि कितने बजे तक छोड़ते हैं कितने बजे तक नहीं छोड़ते, क्योंकि उसी पे सब चीज़ डिपेंड कर रही है। अगर आज जोजिला क्रॉस कर लिया फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आज फंसेंगे सोनमर्ग में और क्या करेंगे। दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं सोनमर्ग के लिए जो सीधा रोड है उस पर, अभी तक जितना आपने पीछे फुटेज देखा वो सारा पुराने रूट का था, अंदर अंदर से गूगल मैप लेके आया हमें। अब ये है कि अगर इस तरह का रोड मिल जाता है साफ खाली मिल जाता है तो फिर ये है कि ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, टाइम से हम लोग पहुंच जाएंगे सोनमर्ग। दोस्तों हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं कागान को, ये कागान की मार्केट है। अभी तो वही काम हुआ हुआ है, बस यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल।
खूबसूरती चेक करो यार इस जन्नत की, क्या ज़बरदस्त व्यू है, क्या मज़ेदार व्यू है यहाँ पे, और उतना ही ख़तरनाक भी है। वो कहते हैं ना जरा सी सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, वो हिसाब है यहाँ पे। बहुत बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ रहा है क्योंकि रोड छोटी है बट बहुत ही ज़्यादा सीनिक है, तो इसलिए मज़ा लेते लेते थोड़ा सा संभल के चलना पड़ रहा है। कई पॉइंट्स तो ऐसे आ रहे हैं ना कि खूबसूरती ज़बरदस्त है लेकिन जितनी देर में कैमरा ऑन करता हूँ पॉइंट निकल जाते हैं। बर्फ़ की पहली झलक मिली यहाँ पे। अभी यहाँ से सोनमर्ग जो है वो है करीबन 7 किलोमीटर, पहुँच तो गए आस पास में ही, पर ये लग रहा है लोग यहाँ से घूम फिर के वापस जाने वाले हैं। पानी देखो यार कितना ज़बरदस्त यहाँ पे चल रहा है, अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं। वाह कितना तेज़ है, पर यहाँ पे ये अभी एक छोटा सा ग्लेशियर है यहाँ पे, अभी देखे हुए तो बहुत प्यारा लग रहा है। आहा हा हा यार ठंड लगी एकदम से, मज़ा आ गया यार, आहा क्या ज़बरदस्त वेदर है। तो वेलकम टू सोनमर्ग का बोर तो आ गया, पर अभी हम लोग सोनमर्ग से पीछे ही हैं। जो सोनमर्ग चेक पोस्ट है वो आगे है, सोनमर्ग ये है। तो सामने जो सिटी नज़र आ रही है देखिए, टूरिस्टों का कितना रश है यहाँ पे यार। जगह वाकई बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार जगह है। अच्छा ये सारे रिजॉर्ट ही हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सब रिजॉर्ट हैं। लो भाई ट्रैफिक जाम फंसा हुआ है। ये जो ट्रैफिक होता है ना, ये ट्रैफिक बहुत अनसर्टन होता है, कब कौन कहाँ से क्या आगे आ जाए कुछ नहीं पता होता। हाय 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 हाय, व्यू चेक करो यार, ओए होए होए होए, ज़बरदस्त यार ज़बरदस्त। अब क्या ज़बरदस्त बोलूँ, नंबर वन बोलूँ, एक नंबर बोलूँ, क्या बोलूँ, इसको समझ नहीं आ रही। वो जो नीचे आपको टेंट लगे नज़र आ रहे हैं सारे, ये सारी की सारी तैयारी जो है अमरनाथ यात्रा की है, जो कि 30 जून को शुरू हो रही है। आज डेट है 20 जून, 10 दिन बाद शुरू हो रही है। ये सब शिव भक्तों के लिए जो अमरनाथ गुफा की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, ये उनके लिए पूरा सेटअप, एक तरह से पूरी सिटी बस रही है यहाँ पे। ये पूरी टेंट सिटी बन चुकी है यहाँ पे, हेलीपैड भी है साथ में, वो जो आपको जगह खाली नज़र आ रही है वो सारी पार्किंग बनी हुई है। ये रोड चेक करो आप, ये सीमेंटेड टाइल से बनी हुई है, क्योंकि नॉर्मली स्नोफॉल होने के बाद हर साल ये रोड ना टूट जाती थी, मतलब ख़त्म हो जाती थी, जो नॉर्मल तारकोल वाली रोड बनती है। तो इसके लिए यहाँ पे ये सीमेंटेड ब्लॉक टाइल्स जो होती हैं वो बना दिया। वो लो जी, तो ये है खूबसूरत माइटी जोजिला। यार मैं अपनी फीलिंग आपको बता नहीं सकता इस टाइम, इसको क्रॉस करते हुए कैसा लग रहा है। अभी पहले खड़ा होकर यहाँ पे फ़ोटो खिंचाऊँगा अच्छी सी, उसके बाद फिर आगे निकलूँगा। दोस्तों हमने क्रॉस कर लिया जोजिला, और ये पहली वाटर क्रॉसिंग है जो जोजिला पे हमने देखी, बहुत छोटी सी थी। ये सब बर्फ़ है यहाँ पे, लेकिन ट्रैफिक की वजह से बहुत गंदी हो चुकी है। अभी कहना कि ये इतना ज़बरदस्त और इतना मज़ेदार रोड है ना कि यहाँ पे दिल नहीं कर रहा एक मिनट भी कैमरा बंद करने के लिए। व्यू चेक करो, सही में माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। मैं ना सही बताऊँ आपको, जो कई लोगों के व्लॉग जो देखता होता था पहले, अभी भी देखता हूँ ऐसी बात नहीं है, तो वो देखता था कि वो हर साल लद्दाख जा रहे हैं, हर साल लद्दाख जा रहे हैं। तो मैं कहता था यार पता नहीं ऐसा क्या है लद्दाख में जो ये लोग लद्दाख भागे रहते हैं। सही यार अब जाके पता लगा कि क्यों आते हैं, और ये कह लो कि एक रिचुअल मेरे लिए भी हो जाएगा कि हर साल लद्दाख आना ही आना है। आहा, सामने बर्फ़ देखो, और ये देखो ये आगे छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, अब इसको क्रॉस करते हैं मज़े मज़े। निकल गए भाई, आराम से निकल गए, कोई ज़्यादा बड़ी क्रॉसिंग नहीं थी। मेरे को क्रॉसिंग से डर नहीं लगता, डर सिर्फ इसी बात से लगता है यार शूज़ में ना पानी चला जाए, शूज़ में पानी गया तो हो गया काम, बाहर से भीग जाए कोई इशू नहीं है, वाटरप्रूफ शूज़ हैं, बट अंदर चला गया फिर कुछ नहीं कर सकते भाई। दोस्तों ये मेरी फेवरेट वाली रॉक कटिंग फॉर्मेशन जो आती हैं वो आ गई हैं, कैसे पहाड़ों को काट काट के रास्ता बनाया है यार। ओए होए 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 होए, एक तो होता ना कि चलो दरिया के साथ में पहाड़ काटा और रास्ता बना दिया,
और ये रास्ता आप चेक करो यार, कितनी हाइट पे है ये देखो नीचे, मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ, वो देखो कहाँ से हम लोग आए हैं। माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग। हैट्स ऑफ उन हाथों को जिन्होंने ये रास्ते बनाए यार, जबरदस्त है। भाई आज बहुत बार बोलूंगा मैं, बहुत बार बोलूंगा इस वीडियो में, व्यू चेक करो यार, ओए होए 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 होए, व्यू चेक करो आप, जबरदस्त जबरदस्त। अभी भी यहाँ पे देखो कितनी कितनी हाइट में बर्फ अभी तक है। ये साइड क्लियर हो गया और ये साइड पे है। बहुत मज़ा आया, कुछ फ़न किया यहाँ पे रुके हम लोगों ने, फ़ोटो शोटो लिए, कुछ रील वगैरह बनाई। अगर आप रील देखना चाहते हो तो भाई फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे ये एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए पूरी जगह बनी हुई है। टूरिस्ट का कितना जमावड़ा है यहाँ पे, हमें तो भाई आगे निकलना है, यहाँ तो रुकना नहीं है। अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स यहाँ पे हो रहे हैं, लोग मज़े करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। जोजरा से नीचे उतर आए हम लोग, अब अपना सफ़र जो है यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आगे जाके चेक पोस्ट आएगी, वहाँ पे हमने सारी अपनी डिटेल लिखानी है, डिटेल लिखा के फिर हम आगे निकलेंगे। अभी हमने क्रॉस किया जोजरा पास, और जोजरा पास क्रॉस करने के बाद हमें एक यहाँ पे साइन बोर्ड दिखा। वो साइन बोर्ड पढ़ के यार वाकई ना एक प्राउड मोमेंट आती है। 1948 में जो कबायली थे, पाकिस्तानी कबायली थे, उन्होंने जोजिला पे कब्ज़ा कर लिया था, बट सरप्राइजिंगली इंडियन आर्मी ने यहाँ पे हमला किया, और हमला भी किया टैंकों से, जो कि उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। अभी तो रोड बन गए, हम देख रहे हैं, तो टैंक कैसे आए होंगे मैं सोच सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ। मतलब टैंकों की लड़ाई, दुनिया की पहली टैंकों की लड़ाई हुई थी जो इतनी हाइट पर हुई थी, और इस जोजिला दर्रा को अपने काबू में किया था इंडियन आर्मी ने। जो राइवल थे उनका जो मेन मोटो था, उनका मोटो था कि यहाँ पे जोजिला पे कब्जा करने के बाद पूरे लद्दाख रीजन को अपने कब्जे में लेना। बट हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और आज हम लोग ये माइटी जोजिला क्रॉस करने के बाद आगे जा रहे हैं लद्दाख के लिए। ये जगह मेरे ख्याल से है जो वेंट बन रहे हैं जोजिला टनल के लिए, जो टनल बन रही है उनके वेंट, क्योंकि वेंटिलेशन भी चाहिए होगी, उसके वेंट वगैरह यहाँ बन रहे हैं, क्योंकि जोजिला टनल जो है वो दोस्तों काफ़ी लंबी रहने वाली है। अब आप ये व्यू देख के खुद बताओ कि कुछ बोलना बनता है, मेरी जगह आप होगे क्या आप बोल सकते हो यहाँ पे कुछ भी देख के? हाय 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 हाय, क्या ज़बरदस्त व्यू है यार, फैंटाबुलस, अमेजिंग। मतलब जो भी अच्छे शब्द बने हुए ना वो सारे ख़त्म हो गए यार मेरे पास तो। जबरदस्त यार, जबरदस्त। ऊपर से ये रोड कमाल है, मैं इसमें दिल ही नहीं कर रहा कि मैं तो ये चलाएं, बिल्कुल आराम आराम से चलते जाओ और मज़े लेते जाओ इस नज़ारे के। सही में यार जब मैं वीडियो वापस देखूंगा ना ये, तो मुझे ये वीडियो बहुत तंग करने वाले हैं, सही बता रहा हूँ आपको, बहुत तंग करने वाले हैं वीडियो। ओए होए होए होए, बात करते करते देखो ओए होए होए निकल जाती है, क्या करूँ मैं। शर्मा जी हमारे आगे आगे गाड़ी आगे चल रही है, तो देखते हैं जगह ढूंढते हैं, और कहीं भी करनी आई कैंपिंग ही है, नाइट स्टे कहीं होटल में या होम स्टे में नहीं करना, कैंपिंग में ही करना है। भाई हमने अभी मटियान क्रॉस किया है, मटियान में आपकी एंट्री होती है, आप जब जोजिला से उतरते हो, उतरने के बाद करगिल डिस्ट्रिक्ट एंटर करने के लिए आपकी एंट्री होती है यहाँ पर, वो एंट्री करवाने के बाद हम आगे निकल चुके हैं। शाम होनी शुरू हो चुकी है, पहाड़ों की जो परछाई है कितनी ज़बरदस्त लग रही है, आह हा, एकदम वेदर चेंज हो गया, ठंडा ठंडा वेदर हो गया। तो चलो अब मैं ज़्यादा शूट तो नहीं करूँगा, वैसे भी आज ये वीडियो बहुत बहुत लंबा हो गया होगा, कोशिश करूँगा इसको छोटा से छोटा रखने की। ये नरेंद्र शर्मा जी की नई इन्वेंशन बारबेक्यू स्टैंड, अभी यहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ों में सीख घुसेगी, उसमें वेज भी होगा नॉन वेज भी होगा,
मुझे नहीं लगता मैं खा पाऊंगा, पर चलो ट्राई करेंगे। बनेगा, आपका बनेगा, आपको खिलाएंगे, फिर उन लोगों को खाने का बनाएंगे। चलो ऐसा कर लेंगे, फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जहाँ पे दोस्तों हम लोग रुके हैं ना कैंपिंग करने के लिए, पहले आपको वो जगह दिखाता हूँ। अभी एकदम से क्या जबरदस्त मौसम है यहाँ पे। ये हमारा सारा सेटअप रेडी हो रहा है। अब धीरे धीरे पहले ये देखो जो भी जगह आपको खाली नज़र आ रही है यहाँ पे हम लोग टेंट लगाएंगे। सारी सेटअप हो चुकी है, ये हमारे कैंप लग चुके हैं। आज यही हमारा नाइट स्टे रहेगा यहाँ पे। अभी ये सिर्फ टेंट सेट नहीं हुआ, बाकी सब ने अपना अपना सेट कर लिया टेंट। यहाँ पे ठंडी है यार, बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या हो गया तेरे को, अब क्या घूम हो गया तेरा? कुछ नहीं, सब डाल रहा हूँ बस, अभी बस ठंडी की तैयारी। हाँ हाँ हाँ, रात की बस खाली। हाँ, और सोने के और सुबह व्यू देखने, मजा करने का। ये शर्मा जी की किचन चल रही है। कैसा लगा दोस्तों, मज़ा आया? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अब ये है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, मेरे साथ बने रहिए। ये एडवेंचर भी बहुत बहुत रंग दिखाने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिए यार। लाइक और शेयर जो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं, ये जो मेहनत कर रहा हूँ ना उसको और करने की हिम्मत आती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जगजीत सिंह, बाय।